गाड़ी तो हो गई सर ब्रांड न्यू, जैसे गाड़ी शोरूम से निकली थी सेम उसी पोजीशन में वापस आ गई गाड़ी, पूरी वॉश वॉश हो गई, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। और पूरी गाड़ी की आपको मैं एक बारी प्रेजेंस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गाड़ी ये ब्रांड न्यू आई है मेरे पास। और जो गाड़ी आप देख सकते हैं RJ45, मतलब राजस्थान से हमारे पास गाड़ी आई हुई है। इवन इसमें एक मैं पार्ट देख रहा हूँ, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इस गाड़ी पे लगा हो सिवाय मडफ्लैप के। पूरी गाड़ी एकदम ब्लैंक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और थैंक यू बोलूँगा कस्टमर को कि उसने हमारी पे ट्रस्ट किया और गाड़ी अपनी लेकर आया। और गाड़ी कहाँ लेकर आया, सेम कार लिबास में, और कार लिबास मेरा एड्रेस है ये करमपुरा दिल्ली में पड़ता है ये। सो पूरा गाड़ी का काम लग्जरी तरीके से होगा, पूरी एक एक फिनिश इसकी प्रॉपर पूरी गाड़ी की चेंज हो जाएगी। जितना इसमें हम सिल्वर पार्ट देख रहे हो सब पे ऊपर मॉडिफिकेशन है। और भाई नेक्स्ट लेवल काम होना है इस गाड़ी पे, नेक्स्ट लेवल। पूरी गाड़ी को आप चेकआउट करो, फील करो और देखो कि पूरी गाड़ी जैसे आई हुई है सेम ट्रू को भी एज इट इज ऐसे ही बन के जाएगी। और बस बनेगी जो वो आप जरूर देखना कि किस तरीके से गाड़ी आई है और किस तरीके से प्रॉपर पूरी बन के जाएगी ये। नेक्स्ट लेवल इंटीरियर होना है इसका, नेक्स्ट लेवल। डोर में जो डैम्पिंग का भी प्रॉपर पूरा काम आप देख सकते हैं, तो डैम्पिंग हमने करी है मोराल की, इसके ऊपर हमने की हुई है जिसकी 2 mm की थिकनेस है और बहुत बढ़िया अपने आप में क्लास सीधा ही है। सो डोर डैम्पिंग प्रॉपर इसमें कर दी है, फोकल के हमने इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स है वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए। सो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर दी है और पूरी गाड़ी को एक बार ही जैसे रेडी हो जाएगी मैं प्रॉपर पूरा आपको दिखाऊंगा किस तरीके की गाड़ी थी और किस तरीके से प्रॉपर हमने इस गाड़ी का काम कर दिया है। चारों दरवाजों के अंदर डोर में डैम्पिंग की गई है और जो दूसरा भी आपको दरवाजा दिखाता हूँ एक बारी मैं, ये भी है देख सकते हैं कि प्रॉपर इसके ऊपर भी और चारों दरवाजों में अंदर और बाहर दोनों तरफ हमने इसके ऊपर ही डैम्पिंग प्रॉपर इंस्टॉल कर दी। फोकल की आप ये देख सकते हैं, सुपर क्लास प्रोडक्ट है यार। RD की रिलेस में हमने इंस्टॉल करी दोनों, जिसमें साइड मिरर और जो फोल्डेबल मिरर है दोनों इसके ऊपर इंस्टॉल वो हैं, काम करेंगे इस रिले से। सो प्रॉपर पूरा प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर पूरा काम किया गया है। फुट स्टेप की लाइट है इसके अंदर। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी। सो जैसे ही गाड़ी पूरी रेडी होती है मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सो फाइनली भाई जो गाड़ी का इंतजार था वो प्रॉपर पूरी गाड़ी रेडी हो चुकी है और बहुत थैंक्स हूँ मैं कस्टमर का जो गाड़ी मेरे पास लेकर आया राजस्थान से यहाँ पर और सुबह से लेकर आज तक हमारे साथ रहे, आज दिन दूसरे दिन तीसरे दिन और गाड़ी का काम कराया एकदम लग्जरी। सो बहुत प्यारी गाड़ी बन के निकल के आई है, बहुत प्यारी मतलब बहुत प्यारी। आज तक जैसे मैंने रेड मेरी गाड़ी बनी थी अभी उससे भी बेस्ट ये मेरी गाड़ी बन के रेडी हो गई है। सो स्टार्ट करूंगा मैं फ्रंट से। फ्रंट के अंदर जो इसके अंदर हमने स्किड गार्निश की हुई है ये बॉडी कलर की हमने, अदरवाइज ये सिल्वर कलर में आती है जैसे आपने विटारा में देखा होगा। सो जिस कलर की गाड़ी है उसी कलर का हमने स्किड गार्निश इसके ऊपर कर दिया। जो कॉर्नर्स हैं इसके वो मैट फिनिश में आते हैं जो थोड़े टाइम बाद बिल्कुल रफ हो जाते हैं जिससे गाड़ी एकदम गंदी लगनी स्टार्ट हो जाती है। सो इस पार्ट को भी हमने उठा के पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। जो व्हील आर्स देखते हैं आप हर बारी मेरी गाड़ी में आपको दिखती है ये, जितने भी विटारा आजकल हम बना रहे हैं सबके ऊपर ये प्रॉपर इसकी हम पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, वो कर दिया। एलॉय व्हील्स इसमें लगे हुए नहीं आते, एलॉय व्हील्स हमने इसके ऊपर सुजुकी जेन्युइन लगा दिए जिसमें TPMS भी रहता है हमने लगा दिया इसका, जो कि मारुति जेन्युइन रहता है। और TPMS जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो इसकी डिस्प्ले आती है डैशबोर्ड के अंदर लग जाती है प्रॉपर पूरी। सो वो भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करा है, एलॉयज इंस्टॉल कर दिए, साथ में TPMS इंस्टॉल कर दिया, व्हील आर्स इंस्टॉल कर दिया, साइड में वेंट इंस्टॉल कर दिया, ये भी कंपनी से लगे हुए नहीं आते। साइड की बिडिंग इसमें लगी हुई नहीं आती, साइड क्लैडिंग बोलते हैं इसको, ये भी हमने प्रॉपर इसमें इंस्टॉल कर दी। साइड के स्टेप हमने इस पर इंस्टॉल कर दिए। साइड स्टेप खोलने के लिए जो इसकी ये प्लास्टिक की ट्रिम होती है ये पूरा आप देख सकते हैं एक ही पार्ट है ये, कुछ इसमें लेफ्ट राइट वाला पार्ट नहीं है, कोई सेकेंड हैंड वाला सिस्टम नहीं है, सब प्लग एंड प्ले के तरीके से प्रॉपर लगा हुआ है। इसकी जो पुरानी जो स्ट्रिप आती है लगी हुई जो साइड स्कर्ट्स है वो निकाल के हमें नया लगाना पड़ता है। साइड में जो फोल्डेबल हमने किए हैं इसके, विंडो फ्रेम इसके ऊपर ओरिजिनल लगाई है जो कि ओरिजिनल मारुति जेन्युइन पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है ये नॉन जेन्युइन है क्योंकि ये जो क्वार्टर ग्लास होता है इसको भी चेंज करना पड़ता है। जो रियर गार्निश है इसको भी हमने चेंज कर दिया, ये जो है ग्लास फिनिश में आती है स्मोक फिनिश इसको बोलते हैं, अदरवाइज ये ग्रे कलर में आती है, ग्रे कलर को उतार के हमने स्मोक में प्रॉपर लगा दिए। रूफ रेल आप देख सकते हैं, रूफ रेल हमने इसके ऊपर जेन्युइन इंस्टॉल करी है, ये भी जो है सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है, कोई ऐसी चीज इसमें अभी तक नहीं दिख रही जो मैंने इसमें कोई कॉपी लगाई हो कोई डुप्लीकेट लगाई हो। सो सारे पार्ट्स इसमें जितने भी अभी तक लगे हैं सारे जेन्युइन लगे हुए हैं। डोर गार्ड इवन जो छोटा सा डोर गार्ड है 250 रुपये इसकी MRP होती है इसको भी हमने जेन्युइन लगा दिया। 3250 रुपये की विंडो फ्रेम हमने इसके ऊपर लगाई है और जो ये गार्निश है
ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट है, रूफ रेल भी मारुति जेन्युइन है, व्हील आर सब जेन्युइन, सारी जितनी भी चीजें इसमें इंस्टॉल करी हुई है सब मारुति जेन्युइन पार्ट है। ये पीछे की गार्निश लगाई है, ये भी हमने स्मोक फिनिश के अंदर मारुति जेन्युइन है। ये भी स्किड गार्निश इसमें लगाई है, वो भी आप देख सकते हैं बॉडी कलर है, अदरवाइज ये सिल्वर आती है, सिल्वर की लुक्स को गाड़ी ने प्रॉपर बॉडी कलर ने एनहांस कर दिया। ये लगी नहीं रही कि ये नॉर्मल ग्रैंड विटारा है। ये यहाँ पर ये डिक्की गार्निश लगा दी, रियर एलईडी गार्निश इसके ऊपर लगा दी, क्रोम भी हमने, क्रोम भी क्यों, स्मोक फिनिश है ये। ये भी जो है इसका मारुति का जेन्युइन पार्ट है, ये भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करा प्रॉपर। सारी चीजें आप देख सकते हैं, जितनी इसमें चीजें लगाई हैं सारी मारुति की जेन्युइन पार्ट से इसमें इंस्टॉल किए हैं, कोई डुप्लीकेट वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर। और जो काम हुआ है सेम कार लिबास में हुआ है, कार लिबास एड्रेस है मेरे करमपुरा में पड़ता है, और करमपुरा की जो लोकेशन है ये बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पर, और कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रक व्रक नहीं आते, बिल्कुल खाली पूरी जगह ही जगह है यहाँ पर। सामने वाला जो एरिया है वो मिलन सिनेमा का है, मिलन सिनेमा से आपने यहाँ आना है, यहाँ पर आके ये मेरा आउटलेट है, इसमें आपने गाड़ी खड़ी करनी है। ये हमारे पास यहाँ पर रैम बना हुआ प्रॉपर, रैम से गाड़ी प्रॉपर अंदर जाती है, कोई धूप तलवार सिस्टम वाला कोई चक्कर नहीं है इसका, गाड़ी प्रॉपर शेड के नीचे लग जाती है, शेड के नीचे प्रॉपर यहाँ जगह दी हुई है। जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक हाईलाइटर बन रही है, इसका भी प्रॉपर पूरा काम हो रहा है, और जो सेम काम हो रहा है लग्जरी तरीके से हो रहा है। और ये भी जो गाड़ी आई है मेरे पास पटौती से आई हुई है। सो सारी चीज़ें इसमें बेस्ट आपको मिलेंगी, बेस्ट इन क्लास और एकदम बेस्ट। एक्सटीरियर के सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, इंटीरियर्स में भी आपको मैं लेके चलूंगा एक बारी, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब तक आप इंटीरियर पे जाएंगे तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बताएं कि कमेंट्स के अंदर आपको किस तरीके का ये काम लग रहा है। और जो काम हो रहा है सेम कार लिबास में हो रहा है। फ्रंट की अगर प्रोफाइल बोलूँ तो फ्रंट के अंदर भी आप देख सकते हैं नीचे स्किड गार्निश लगाई है, हेडलाइट के ऊपर गार्निश लगाई है, जितने भी एक्सेसरीज पार्ट्स इसमें लगाए हैं, जितने भी एक्सेसरीज है रूफ रेल छोड़ के साइड विंडो छोड़ के हर पार्ट के ऊपर 20% का फ्लैट डिस्काउंट है। सो बेस्ट इस गाड़ी का पार्ट 20% डिस्काउंट एक्सेसरीज में है, और जिसमें जो अलॉय व्हील है वो इसके 40,000 के हैं विदाउट बिल में, और अगर विद बिल लोगे तो 45,000 रुपये की रेंज में आते हैं, 10% डिस्काउंट है। साइड स्टेप जो हमने इसके ऊपर लगाया है इसका रेट है 12,000 रुपये सिर्फ, 12,000 रुपये में आपको साइड स्टेप लगा के दूंगा मैं। डोर का 250 रुपये के हैं, वो 200 रुपये के लगेंगे, 990 रुपये का पार्ट है ये फेंडर का, इसके ऊपर भी 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 8,600 रुपये की विद फिटिंग इसकी हमने ये रूफ रेल लगाई है, 11,000-1200 रुपये का ये आइटम है, 600 रुपये की ये आइटम है। बॉडी कलर जो स्किड गार्निश है वो 8,000 रुपये की रेंज में है, कॉर्नर्स हैं इसके 3600 रुपये की रेंज में, 8,500 रुपये में व्हील आर्स है। तो जितने पार्ट्स हैं भाई सब जेन्युइन, हर एक चीज़ अपने बेस्ट तरीके से। साइड मिरर फोल्डेबल इसके अंदर हमने कर दी है, साइड मिरर फोल्डेबल के लिए गाड़ी को रिमोट से लॉक करेंगे, ये फोल्ड हो जाएंगे, गाड़ी को रिमोट से अनलॉक करेंगे ये अनफोल्ड हो जाएंगे। सो ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट था, क्योंकि जो इसका सिस्टम था वो अंदर से था, इस यहाँ से बटन से इसको फोल्ड करेंगे। अभी जो हमने इसके ऊपर रेले लगाई है वो हमने लगाई है आरडी कंपनी की, और आरडी कंपनी की हमने इसके ऊपर रेले लगाई है जो कि जेन्युइन पार्ट नहीं है, ओईएम सप्लायर है, और उसमें बहुत सारे ब्रांड के अंदर ये जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर आते हैं पार्ट्स इनके, जैसे हुंडई के अंदर आरडी कंपनी की एलईडी आती हैं। सो बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का जो इसके डोर्स हैं हमने प्रॉपर पूरे रिप्लेस कर दिए हैं, ये इसके जो डोर्स हमने रिप्लेस कर दिए हैं विद दी ओरिजिनल लेदर रैप लेदर फिनिश के साथ। इसके अंदर ये जो ये वाला पार्ट है ये कुशन आता है, और जो नीचे वाला ये पार्ट है ये भी कुशन आता है इसके अंदर, पूरी प्रॉपर सील्ड एंड सिक्योर है ये, इसमें कुछ खोला फाला वाला कोई सिस्टम नहीं है, ये भी इसमें कंपनी फिटेड आता है। एम ए लाइट हमने टेस्ला लगाई हुई है इसके अंदर जो कि K4 रहने वाली है, रनिंग में आती है ये। पावर विंडो की जो प्लेट्स हैं वो भी इसके अंदर जो है पियानो ब्लैक फिनिश में ऑलरेडी आती हैं, और पियानो ब्लैक की जगह ये स्पार्कल फिनिश है वो इसके अंदर लगा हुआ है, और ग्रैब हैंडल इसमें नॉर्मल ग्रे कलर में आते हैं। सो चारों दरवाजे की ट्रिम इसके हमने ऊपर चेंज कर दी है, और जो चेंज करने का तरीका सेम प्लग एंड प्ले तरीके से, पूरी गाड़ी का जो डोर्स हैं वो प्रॉपर हमने रिप्लेस कर दिए हैं, पुराने प्लास्टिक के जो ट्रिम्स इसमें लगे हुए थे वो उतार दिए और नया लगा दिया। सिर्फ 16,600 रुपये में इसके ये सारे दरवाजे आप चेंज करा सकते हैं। फोकल के इसके अंदर हमने स्पीकर लगाए हैं, कंपोनेंट्स आगे पीछे कोएक्सियल लगाए हुए हैं, नक्सा की बैजिंग की फुटस्टेप इस पर हमने लगाई है, इवन जो सामने वाले जो लेदर पार्ट्स हैं ये भी हमने चेंज कर दिए, पियानो ब्लैक चेंज कर दिया, नीचे का कंसोल चेंज कर दिया, सामने का रिंग चेंज कर दिया, लेफ्ट वाला पार्ट आप देख सकते हैं इसको भी चेंज कर दिया, डोर रिप्लेस कर दिए, टीपीएमएस की डिस्प्ले हो रही,
सिस्टम जो हमने इसके ऊपर लगाया वो पाइनियर का लगाया 8550, जिसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत 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 बढ़िया चीज है, जिसकी एमआरपी रहती है 70,000 रुपए। ऑटो आईआरबी हम इसके ऊपर हमने लगाया है, जिसकी एमआरपी का कोई सिस्टम नहीं है, स्पेयर पार्ट्स हैं, पार्ट आते हैं। ये 5,850 रुपए का आपको प्रॉपर मिलेगा। ये फंक्शन है इसका, जैसे गाड़ी को आप रात को चलाते हैं और पीछे से जो लाइट पड़ती है वो ऑटो डिमर का इसमें फंक्शन काम करता है। जैसे लाइट पड़ेगी ऑटोमेटिकली ये डिम हो जाएगा और आपको जो पीछे का रिफ्लेक्शन था वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। दूसरा बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का, ग्रैंड विटारा के अंदर हमने सनग्लास होल्डर लगाया, जिसकी प्लेसमेंट बहुत सुपर और बहुत क्लास, जेन्युइन तरीका। जितना मर्जी से खींच खींच लो ये निकलने वाला सिस्टम है नहीं इसका, क्योंकि अंदर से स्क्रू लगा हुआ है, सो इसलिए कहीं जाना नहीं, इसने कुछ नहीं करना। बटन प्रॉपर इसकी वर्किंग है, लाइट्स प्रॉपर इसकी वर्किंग है, हर एक चीज अपनी बेस्ट। कुछ खुला हुआ सिस्टम नहीं है, सिर्फ 4650 रुपए में आपको ये सनग्लास होल्डर लगा के दे सकते हैं हम आपको। बिल्कुल 5,850 में इसका पार्ट है, 70,000 रुपए इसकी एमआरपी है, 4,500 रुपए की जो किट है लेदर किट वो है इसकी। स्टीयरिंग पे प्रॉपर इसके अंदर हमने स्टीयरिंग का लेदर अप कर दिया सीट कवर के अकॉर्डिंगली, जो कि 2-टोन में रहने वाला है। और जो स्टीयरिंग भी आप देख सकते हैं टॉप माउंट वाला हमने इसके ऊपर लगाया है, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 4,600 रुपए, 4,600 रुपीज के अंदर अपना ये स्टीयरिंग को आप चेंज करा सकते हैं टॉप मॉडल से। पैनो ब्लैक का मीटर पैनल इसके अंदर कर दिया, जिसकी कॉस्ट है 1,800 रुपए। नीचे की जो पैडिंग है प्रॉपर हमने इसके ऊपर कर दी है, साइड पैडिंग ये जिसको मैच किया हमने सीट कवर से। सीट कवर्स का डिजाइन हो सकता है कॉपी हो जाए, हो सकता ना भी हो, बट कोई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितने डिजाइन बनाता हूँ सारे बिल्कुल लग्जरी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू डिजाइन बनाता हूँ मैं। पूरी मेहनत की जाती है इन पैटर्न्स को बनाने के लिए और जो काम होता है सेम लग्जरी तरीके से होता है, कोई इसमें टेढ़ा मेढ़ा कोई सिस्टम है नहीं। क्विल्ट प्रॉपर इसके अंदर हमने कर दी है, साइड की पैडिंग जो है, ये जो सपोर्ट है शोल्डर सपोर्ट सीट के वो भी हमने प्रॉपर इसके बड़े एकदम कर दिए, आमरा इसके ऊपर कवर कर दिया। सीट की डिजाइनिंग एकदम परफेक्ट बिल्कुल गाड़ी के हिसाब से, और इंटीरियर तो जबरदस्त इसका है ही है। गियर बूट इसका हमने चेंज कर दिया और लेदर ऐप में आपको ये देख सकते हैं सेंटर आमरा से कवर हो गया, साइड पैडिंग हो गई, अंदर के जो शीशे हैं वो भी हमने इसके ऊपर, ये भी एकदम कस्टमाइज आपको मिलेंगे। तो सिस्टम इसके अंदर हमने लगाया वो पाइनियर कंपनी का लगाया, 75850 नंबर है और 70,000 रुपये इसकी एमआरपी होती है, क्योंकि अपने आप में सुपर क्लास चीज़ है यार। मतलब एंड्रॉयड ऑटो इसमें वायरलेस है और जो एप्पल कारप्ले वो भी इसमें वायरलेस है, कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर इसके अंदर हमने लगाए हैं सर, वो हमने लगाए हैं कॉम्पोनेंट्स रेफरेंस के, अच्छे स्पीकर हैं वो, साउंड अच्छा लगा आपको, थैंक यू सर। प्रॉपर इसके अंदर फ्लोरिंग कर दी, सीट कवर्स प्रॉपर पूरे कर दिए, पूरी कुशिंग कुशन आप देख सकते हैं, कुछ भी सीट कवर्स के अंदर एक भी रिंकल आपको नजर नहीं आएगा। आज मैं थोड़ी सी वीडियो भी फास्ट बना रहा हूँ, क्योंकि 3-4 गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, उसका भी एक बारी आपको दिखाता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल ही मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तो मारा जाऊंगा ऐसे ही, और लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। जो फ्लोरिंग इसके अंदर लगाई है ये भी आप देखो कप स्टाइल में पूरी लगाई हुई है, कहीं आपको ऐसा रिंकल दिखेगा नहीं, और पूरी कप स्टाइल में है ये, ये शेडो नहीं है, ये प्रॉपर इसका कर्व है जो डिजाइनिंग दी हुई है, फ्लोर के हिसाब से दी हुई है प्रॉपर। ये पीछे वाला कवर है इसको भी हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। सो मुझे लगता है कि मैंने गाड़ी के सारे पार्ट्स जल्दी आपको आज सारे बता दिए इसके अंदर, और कुछ पार्ट्स अगर रह गए होंगे तो वो भी मैं एक बार ये कहा, जैसे हेडलाइट के अंदर हमने LED लगाई है 165 वॉट की लेजर बूस्टर, उसका भी जो थ्रो है अपने आप में बहुत जबरदस्त होता है। डबल हॉर्न इसके अंदर हमने ब्लॉक पंखे लगाए हैं, जिसकी कॉस्ट है 900 रुपये सिर्फ। और एक बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का भाई, वो तो मैं भूल ही गया, इसके अंदर जो साइड में रेल लगाई है तो लगाई है, इसके बोनेट के अंदर भी हमने डैम्पिंग करी अब की बारी। अरे बाप रे, बोनेट हो गया इसका भाई एकदम सुपर क्लास। जो डैम्पिंग मोरल की करी थी उसके अंदर सारे प्रॉपर ज्वाइंट कर दिए, और जो कॉर्नर है इसके बिल्कुल ब्लॉक कर दिए हमने, पानी वानी का लफड़ा भी खत्म, और जो साउंड आनी थी गाड़ी के अंदर वो तो भाई बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। सिल्वर कलर की डैम्पिंग और सिर्फ 5,500 रुपए इसका प्राइस। ये रूफ में भी लगा सकते हैं, बोनेट में भी लगा सकते हैं। तो भाई सारी गाड़ी एकदम बेस्ट कर दी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और कस्टमर आएगा एक बार उनसे मैं छोटा सा रिव्यू भी लूंगा किस तरीके से वो आए हमारे पास और क्या क्या उनको हमारे से एक्सपेक्टेशंस थी और कैसा हमने उनका काम पूरा करके दिया। वीडियो में कोई चीज़ दिखी हो तो उसको कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो बढ़ाऊँ तो उसके अंदर सारी चीज़ें दिखा दूँ। बूट लैंप लगाया 125 रुपये का,
वैनिटी मेरे चेंज कर दिए, ये वाले जो ग्रे थी ये मैंने आपको बता दिया, ऑटो आई आर एबीएम लगाया ये भी मैंने आपको बता दिया, गियर की नॉब नहीं बताई, जीएफएक्स के मैट नहीं बताए, जो जीएफएक्स का मैट है ये भी मारुति जेन्युइन से बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, और इसमें जो साइड होल्डर है ये प्रॉपर आपको स्लॉट मिल जाता है, जिसमें कोई सामान वान रखना हो तो इजीली रख सकते हो, नहीं तो क्या होता है जब यहाँ पर इसको आप रखते हो तो ये हाथ से उठाना है और ये जो ये वाला पार्ट है ये अंदर फंस जाता है साइड में, और जब इसको खोलो तो ये हाथ कट जाते हैं। सो उसके लिए हम ये जीएफएक्स के मैट डालते हैं प्रॉपर, जिसके अंदर कोई छेड़ा खाने वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरी गाड़ी बन जाती है एकदम। काम हुआ सेम कार लिबास में, अच्छा सॉरी एक पार्सल ट्रे भी रहेगी भाई इसकी, जिसकी 1875 रुपये कॉस्ट है। ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट है, नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज हैं, तो जितनी आपको दिख रही हैं सारी चीज़ें इसमें सारी नेक्सा जेन्युइन हमने एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। आफ्टर मार्केट कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, जितने पार्ट्स हैं वो सब कस्टमर को जेन्युइन चाहिए थे तो जेन्युइन के हिसाब से प्रॉपर हमने लगा दिया। ये सिस्टम का डेमो अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे को इसको अनब्लॉक वगैरह सब करना पड़ेगा, चाबी लानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो सिस्टम तो यार खैर इसका जो 70,000 रुपये इसकी एमआरपी है और जो वॉल्यूम है वो तो अपने आप में सुपर डुपर है ही है, वायरलेस एप्पल कारप्ले पता नहीं क्या क्या इसमें सिस्टम है, भरा पड़ा एकदम सिस्टम से, ये बहुत फंक्शन है इसके अंदर बहुत। ऑटो आईआरवीएम की तो क्वालिटी का तो खैर जवाब है ही नहीं, इस सनग्लास होल्डर का भी कोई जवाब नहीं है, सनग्लास होल्डर में चश्मा रखो उसको बंद करो और ये लाइट्स अपनी मैनुअली जो जलती हैं, सारे फंक्शन है इसके अंदर। काम हुआ सेम वही कार लिबास, एमबी लाइट भी इसके अंदर लगाई है। अमित भैया इसकी चाबी दिखाने की, अंदर रख के आऊँ अभी। फोकल के कंपोनेंट्स उसका भी ये प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, इसको हमने फोकल की ब्रांडिंग देनी थी तो उसको हमने होल करके यहाँ लगा दिया, सो थोड़ा सा दिखता है कि भाई यहाँ पैसा खर्च किया हुआ है फोकल के ऊपर, बाकी सब सील एंड सिक्योर बेस्ट, पूरी गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन। एक बार ही मैं गाड़ी थोड़ा सा ये चाबी आ जाए तो इतने में शॉर्ट्स इसके ले लेता हूँ। एम्बियन लाइट ओए होए 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 कैसे चलती हुई भागती हुई जा रही है, वो वापस आ गई वापस आ गई वापस आ गई, गायब हो गई फिर आ गई। सो बोला था ना भाई बहुत अच्छी इसमें एम्बियन लाइट लगी हुई है, K4 रहने वाली है टेस्ला ब्रांड की, इसकी एक साल की वारंटी है और लगी हुई तो सुपर डुपर है ही और मल्टी कलर में चलती है वो भी अपने अपने क्लास है। ये मेरा लो जी अभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उससे पहले ये वायरलेस में कन्वर्ट हो गया, अब मेरा ये मोबाइल सारा एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस है, मैंने ब्लूटूथ भी बंद कर दिया तो ये पेज इसका खुला हुआ है अभी इस टाइम। बाकी पाइनियर का सिस्टम, एफएम रेडियो सब कुछ क्लास, रिवर्स के कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया, सब कुछ नीट एंड क्लीन साफ सुथरा दिख रहा है। वो तो कैमरा भी लगाया हमने इसके अंदर, शायद ओरा का लगाया हुआ है और वो भी गट्टू कैमरा टाइप का लगता है। गाड़ी पीछे से ब्रिजा आई है एक बाहर से आज, वो देखो क्या करते हैं कहाँ लगाते हैं गाड़ी उसको भी हम। सारी चीज़ें एकदम बेस्ट कर दी इसके अंदर, सिस्टम चलाने का भी टाइम नहीं है क्योंकि कस्टमर पे कस्टमर है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, संडे का दिन है और काम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है आज। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, कार लिबास के नाम से मेरा चैनल है, काम कैसा लगा वो ज़रूर बताना और एक छोटा सा रिव्यू हम कस्टमर से लेंगे, छोटा सा बड़ा सा जैसे भी उनको देना चाहे वो, ये तो कस्टमर खैर अपने घर के हैं ये तो ज़रूर रिव्यू देंगे। सो एक बार जैसे भैया आते हैं एक बार इनसे छोटा सा रिव्यू भी लेते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं कार लिबास पे दिल्ली में गया था तो वहां पे मैंने रिव्यू किया था कार लिबास पे, कार लिबास के ओनर गौरव सेठी जी के साथ, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा रिव्यू वाला जो वीडियो है वो ढंग से बन नहीं पाया और उसमें वॉइस जो है म्यूट हो गई। सो इसके लिए मैं अपने घर पे आके जयपुर में आके, मैं जयपुर से गया था दिल्ली तो जयपुर में आके मैं अपने घर से आज मैं उसी गाड़ी में वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको, रिव्यू दे रहा हूँ गौरव सेठी जी को कार लिबास को उनके चैनल पे, कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने यार, मानना पड़ेगा मतलब कि जेन्युइन चीज़ एक तो, दूसरी चीज़ वायरिंग का जितना भी काम हुआ सब जेन्युइन वायरिंग थी मारुति की, जिसमें हीट सिंक लगी होती है,
यार काम मत कराओ यार, अच्छा काम कराओ मैं बोलता हूँ। नई गाड़ी है तो अच्छा काम कराओ, थोड़ा पैसा हो सकता है ज्यादा लगे कम लगे। नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज पे 20% जो वो बोल रहे थे वो दिए भी, 20% डिस्काउंट मुझे मिला हर चीज में नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज में। सो बहुत अच्छा काम करके दिया है, और इनफैक्ट मैं अभी उसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसमें मैंने काम कराया, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार कि कैसे काम हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन काम किया है, कुछ भी आपको एक आप लूप होल नहीं निकाल सकते। और अगर बाय चांस कोई चीज रह भी जाती है तो हमारे गौरव सेठी जी ऐसे हैं, अगर इनसे काम करवा लिए तो जिंदगी भर इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे आप क्योंकि ये आपको कभी भी कोई भी चीज के लिए प्रॉब्लम होगी आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, कहीं पे भी आप हो आपको सपोर्ट करेंगे, काम कराने के बाद पैसे देने के बाद भी, और लोगों की तरह नहीं है। बहुत अच्छा काम किया यार, कार्लीबाज की टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, गौरव सेठी जी को थैंक यू करना चाहूँगा, और मेरा मतलब यूँ समझ लो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेरी गुड यार, थैंक यू।